हेलो, अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू के डी इनोवेशन क्राफ्ट। जस्ट 2 to 3 मिनट्स वी आर गोइंग टू वेट। लोग सबको ज्वाइन कर लेने देते हैं। फिर जो पार्ट बचा है उसको कलर करेंगे। हेलो रीना जी, कल किसी ने मुझसे पूछा था तंजोर का दिखाने का, तो देखिए आज मैंने उसको निकाल के रखा है। ये है तंजोर। बस 2 to 3 मिनट्स में स्टार्ट करेंगे। कलर मैं वही ले रही हूँ जो हमने कल लिए थे, क्रोम येलो। बंसियाना एंड वाइट, कि कल हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया था। तो अभी हमें ये पार्ट कंप्लीट करना है और इसका बैकग्राउंड करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं कैमरे को डाउन करती हूँ और कलर हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ शेयर कर दीजिए दूसरे ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। कैमरा डाउन करते हैं और हम अब कलर स्टार्ट करेंगे। अब फिर से बताऊंगी तंजोर पेंटिंग एक बार लास्ट में। विजिबल है आपको? नो है ना। लेट मी मेक अ स्पेस। हो गया नाउ अ विजिबल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव ऑन माई पेज। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल।
कल हमारा इतना कंप्लीट हो गया था, आज हम ये बर्ड कंप्लीट करेंगे। और जो ये एक सनफ्लावर है ये। हेलो मधु जी, मैंने बोला था मैं कल ये कंप्लीट करके रखूंगी कि इनसाइड भी आप देखेंगे। तो ये देखिए, अंदर भी आपको कलर दिख रहा होगा। तो जब भी हम कलर करें तो साइड में भी, क्योंकि ये 3D है तो हमें अंदर भी कलर करना है। उसको ध्यान से देखकर आप सब जगह कलर करें, सी है ना। आप ऐसे घुमा के देखेंगे तो आपको अंदर तक कलर दिखेगा। अभी ये कलर करेंगे। इसके लिए मैं येलो ले रही हूँ, क्रोम येलो। दिख रहा है या मैं थोड़ा और डाउन करूं कैमरा? आप लोग मुझे बताएंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को वॉइस आ रहा है या दिख रहा है। इसमें मैं क्रोम येलो ले रही हूं पहले पूरे में, फिर हम व्हाइट से इसको ब्लेंड करेंगे। ये आज हमारा आई थिंक 5th सेशन है। जो नए हैं वो मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं पूरा प्रोसेस। व्हाइट लेकर इसको ब्लेंड कर देंगे। थोड़ा सा बिल्कुल बंट से आना लेंगे हल्का सा। वो जो इसकी लाइन्स है अंदर साइड जो दिख रही है, उन गैप्स में इसको कलर करेंगे। उसको ब्लेंड भी करेंगे। कि ब्लेंडिंग पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ब्लेंडिंग अच्छे से होगी तो ही हमारा कलर अच्छे से दिखेंगे, है ना। नहीं तो ऐसा लगेगा कि आपने ऊपर से कलर कर दिया है। ब्लेंड हो जाना चाहिए। मैं अलग अलग ब्रश यूज कर रही हूँ ना, एक ही ब्रश से मैं कलर नहीं कर रही हूँ। हम ये पार्ट करेंगे। अभी कलर इसका सूखा नहीं है, थोड़ा सा ऑयल कलर है तो टाइम लगेगा सूखने में। सेम कल की ही तरह पहले डार्क कलर, फिर उसको व्हाइट से ब्लेंड करेंगे।
प्लीज दूसरे ग्रुप में भी शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी पूछते जाएं। व्हाइट कलर लेके इसको ब्लेंड कर देंगे। रिबन से आना लेंगे, कॉर्नर्स पे लगाएंगे। थोड़ा जो हमने इम्प्रेशंस बनाए थे उनमें भी ऐसे आगे की तरफ करेंगे, इम्प्रेशंस में। उसको ब्लेंड भी करेंगे। आज ही हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ब्लेंड करते जाएं। साइड में भी अच्छे से कवर करें। व्हाइट कलर लेके ब्लेंड। हाय विजया जी,
जो नया जुड़ा है वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकता है इस क्ले मुरल के पेज पे जाके। अच्छे से ब्लेंड करेंगे। मैं अभी एक साथ कर रही हूँ क्योंकि मैंने कल आप लोगों को दिखा दिया था कि कैसे करना है। कतर से शेड देंगे, जो हमने लाइंस बनाई थी उसी पे देना है हमको, है ना, जो हमने टेक्सचर दिया था लीफ पे, वो बिल्कुल डाउन साइड पे थोड़ा सा डार्क करना है, तो मर्ज दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ उसको रख दिया कलर को। हा? एक कपड़ा जरूर रखें साथ में ताकि ब्रश को आप क्लीन कर सके। मैं थोड़ा सा कलर फास्ट कर रही हूँ। हम बैकग्राउंड भी कर लेंगे आज। व्हाइट कलर से मर्ज आप लोग भी जरूर शेयर करें मुझसे जब आपका कंप्लीट हो जाए। व्हाइट से कलर मर्ज जो कलर अगर नीचे लग गया है तो उसके लिए परेशान नहीं हो, तो हम उसको क्लीन कर देंगे। हल्के हल्के स्ट्रोक देंगे।
उसको मर्ज कर देंगे। किसके कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे ब्राउन कलर और थोड़ा सा हम ब्लैक मिक्स करेंगे। जो हिस्सा मेरा छूट रहा है वो मैं बाद में करूंगी, क्योंकि मुझे मैं उठाऊंगी तो फिर आप लोगों को नहीं दिखेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर हम ऐड करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल थोड़ा सा ब्लैक कलर। ताकि ये थोड़ा सा डार्क हो जाए। ब्राउन एंड ब्लैक ब्रश को क्लीन। हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम बैकग्राउंड करेंगे। दीपा जी आवाज नहीं आ रही है मेरी। ओके ओके थैंक यू। अब बैकग्राउंड के लिए मैं थोड़ा सा मेरा जो कलर है वो नीचे लग गया है, मैं उसको क्लीन कर देती हूँ।
थैंक यू। थोड़ा सा कपड़े से इसको क्लीन कर देंगे। और ऐसे क्लीन नहीं होता, थोड़ा सा उसपे व्हाइट भी टच कर सकते हैं, थोड़ा सा व्हाइट। चलिए मैं यहाँ पे अभी मैं ले रही हूँ ब्लू कलर, बैकग्राउंड के लिए मैं ब्लू कलर ले रही हूँ। दीपा जी, आपने कल पूछा था। हेलो कीर्ति जी, थैंक यू सो मच कीर्ति जी। तभी हम बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर ले रही हूँ। ब्लू और व्हाइट ना, बिल्कुल हम लाइट सा स्काई कलर देंगे बैकग्राउंड में। आप पिंकिश ब्लू मिक्स करके दे सकते हैं। दीपा जी, कौन से पेपर रोजेस? नो, यू आस्क अबाउट दैट तंजोर ना। ओके, दैट क्ले, आप क्ले के बारे में बात करें, क्ले रोजेस। हम उसके फिर हम बात करते हैं व्हाट्सएप पे, अभी तो हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके, समबडी इज आस्किंग मी ना, यस्टरडे शो मी योर तंजोर, सो आई थॉट यू विल। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू, विल टॉक इट लेटर। ओके, या विल शो यू। मैंने व्हाइट कलर लिया है और ब्लू कलर। सी तंजोर, मैं लास्ट में एक बार और अच्छे से दिखाऊंगी जब मैं कैमरा फ्रंट में करूंगी। ओके, अभी हम करते हैं बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा ब्रश ले लेती हूँ। थैंक यू दीपा जी। हेलो पूनम जी, थैंक यू अवंतिका जी। हम व्हाइट लेंगे, व्हाइट में बिल्कुल थोड़ा सा येलो ब्लू मिक्स करेंगे या बैकग्राउंड के लिए। पिंक कलर भी मिक्स कर सकते हैं थोड़ा, जैसे स्काई कैसा होता है, मैं यहाँ पे स्काई कलर देने की कोशिश कर रही हूँ कि स्काई दिखे। तो स्काई में कभी कभी पिंकिश भी होता है ना, येलो, तो आप उस तरीके के शेड भी इसमें दे सकते हैं। मैं आज दे रही हूँ अभी सिर्फ ब्लू कलर, एकदम लाइट, व्हाइट में बहुत ही कम मैं ब्लू कलर मिला रही हूँ। आप लोगों को मिक्सिंग नहीं दिख रहा होगा, विल शो यू हियर। बिल्कुल थोड़ा,
कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। जो हमने टेक्सचर दिया था उस पे हल्का सा थोड़ा सा डार्क कलर से ऐसे। जैसे ये कॉर्नर्स हैं बिल्कुल लाइट छोटी छोटी जगह है, तो यहाँ पे राउंड ब्रश का आप यूज कर सकते हैं या छोटे या स्मॉल नंबर के फ्लैट ब्रश यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर आप बड़ा यूज करेंगे तो वो कलर जो है इधर उधर फैल जाएगा। स्मॉल नंबर के ब्रश यूज करके आप इसको ब्लेंड कर दें अच्छे से कलर को। कहीं डार्क दे दे कहीं लाइट कर दे। जब आप लोग इस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं तो इट्स रियली मेड माय डे। पहले हम अच्छे से कलर कर लेंगे, फिर ऊपर से हम जैसे हमने जहां कर लिया है वहां हम दे सकते हैं ना, हल्का सा डार्क कलर ले बिल्कुल हल्के उससे ऐसे ब्रश, तो कहीं डार्क कहीं लाइट। आप चाहे तो इसको फिंगर से भी कर सकते हैं ऐसे। तो ये जो टेक्सचर दिया है उसके ऊपर ही अपने आप आ जाएगा हम फिंगर से करेंगे तो, और ड्राई ब्रश यूज़ करेंगे अगर आप तो ये इजीली आएगा। अगर आपसे ड्राई ब्रशिंग नहीं होती है तो आप फिंगर से कर सकते हैं। ब्रश भी लगेगा, नीचे की साइड हम ना ग्रीन कलर का शेड देंगे थोड़ा, यहाँ हम पूरा ब्लू का दे रहे।
देखिए बिल्कुल अंदर की साइड है एकदम कॉर्नर, तो यहाँ आपको राउंड ब्रश ही यूज करना पड़ेगा। कभी कलर लग जाता है तो आप उसको इजीली टचअप कर सकते हैं। उसको सूख जाने दें, अगर ऑयल कलर है तो आप उसको पोंछ सकते हैं, और ऑयल नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा सूखने दें। उसके बाद उस पर व्हाइट कलर करके जो भी कलर करना है वो कर दें। यहाँ पे भी हमें राउंड ब्रश ही यूज करना पड़ेगा। ध्यान से करें, अगर कहीं छूटा है तो उसको भी फिल करते जाएं। आई थिंक ये कलर विजिबल नहीं है, है आप लोगों को? बिल्कुल लाइट कलर ले रही हूँ, सी अभी दिख रहा होगा। कहीं डार्क कहीं लाइट, आप ब्लू के साथ थोड़ा सा पिंक मिक्स करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप थोड़ा सा रेड ले लें, बिल्कुल थोड़ा सा उसको वाइट के साथ मिक्स करके स्काई की तरह कलर करें।
कलर हमेशा थोड़ा सा ही ले, ज्यादा ना निकाले। ऑयल कलर के लिए हम लिंसिड ऑयल यूज करते हैं। थैंक यू तेजस्विनी, थैंक यू बाबी। दूसरे ग्रुप में भी शेयर करते जाएं, कुछ क्वेश्चन है तो पूछे बीच बीच में, इंटरेक्शन होता है तो अच्छा लगता है। बिल्कुल हल्के हाथों से, वैसे थोड़ा सा डार्क कलर लिया है, वो जो हमने टेक्सचर दिया था बस मैं उस पे कर रही हूँ, कहीं कहीं सब जगह नहीं। कहीं ज्यादा हो जाए तो आप ब्लेंड कर दें। सनफ्लावर मैंने क्ले से बनाया है। थैंक यू हिना जी, आप प्रीवियस वीडियो मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं। और इसके लिए मैंने कलर लिया है येलो वाइट एंड बंसियाना, दैट इज ब्राउन। अगर आप अभी जुड़े हैं तो आप मेरे पेज पे जाके चेक कर सकते हैं
पुराने वीडियोस, उसके सेशंस। आप इसके लिए, अगर आपसे ब्रश से नहीं होता है तो आप फिंगर भी यूज कर सकते हैं। ब्लेंडिंग इट, कहीं ज्यादा हो गया है तो आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। यस कीर्ति जी, पेशेंसली आप करेंगे तो अच्छा बनेगा। अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो इट्स बिगड़ भी सकता है, और कलर में तो स्पेशली थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, कि काम अच्छा होना चाहिए, भले थोड़ा सा टाइम लगे। या नीचे की साइड में थोड़ा सा येलो भी मिक्स कर दी हूँ, उसके साथ हल्का सा ग्रीनिश शेड आ जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा लिया है मैंने ना, क्या ये प्लेट में था वही, क्योंकि ब्लू है हमारे पास ऑलरेडी, ब्लू येलो मिलके थोड़ा सा वो हल्का सा ग्रीन शेड दे देगा, तो हमें बिल्कुल लाइट ग्रीन शेड चाहिए या नीचे की साइड। आई डोंट नो आप लोगों को विजिबल है कि नहीं मैं कौन सा कलर कर रही हूँ। गायत्री जी, दिस इज क्ले मूरल, नीचे मैंने येलो व्हाइट और ब्लू से शेड कर रही हूँ ना, तो हल्का बिल्कुल लाइट ग्रीन आ रहा है, जिसको मर्ज जहां से हमारा ब्लू यहां तक मैंने किया है ना, अभी थोड़ा सा और यहां मैं ब्लू करूंगी, उसको अच्छे से मर्ज करेंगे तो दोनों एक से दिखने चाहिए। गायत्री जी, आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं, मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, ये फ्री वर्कशॉप था, इसमें मैंने पूरा बताया है, मटेरियल भी, इसके अराउंड 5 to 6 सेशंस हैं, आप जाके चेक करें, आपको पूरा उसमें मिल जाएगा कि कैसे किया है। आज तो ये लास्ट सेशन है कलर का, यू वेलकम। थैंक यू कीर्ति जी,
ये जो मैंने रेफरेंस शेयर किया था, मैं सेम वैसा नहीं बना रही हूँ, मैं अपने उससे ही इसको कर रही हूँ, तो आप उस रेफरेंस से इसको कंपेयर मत कीजिएगा। हल्का सा ग्रीन का शेड, बिल्कुल थोड़े थोड़े से आप कलर मिक्स करेंगे तो हल्का लाइट, बिल्कुल लाइट ग्रीन आएगा। अच्छे से अंदर अंदर भी कलर करें। थोड़ा सा इसका डार्क करना था इसलिए मैंने येलो और मिक्स किया। दीप्ति जी, आपको मेरे पेज पे मिल जाएगा। और अगर सब किसी के पास है तो प्लीज कोई यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दे।
अब येलो जो मैंने ग्रीन किया था और जो ब्लू कलर है उसको हमें थोड़ा मर्ज कर देना है ना, अलग से नहीं दिखना चाहिए कि हमारा ये मर्ज कर रहे हैं आप। राउंड ब्रश यहाँ पे मैं ब्लू कलर ही यूज कर रही हूँ। जब आपका ये कलर हो जाए कंप्लीट तो लास्ट में इस पर वॉर्निश जरूर करें इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। या इस ऑलमोस्ट कंप्लीट, थोड़ा सा ही बचा है। अभी मैं और सेशन प्लान कर रही हूँ, फ्री सेशंस। आपको उसका इन्फॉर्मेशन मेरे पेज पे या व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। अभी इसको हम मर्ज करेंगे। अभी यहाँ पे मर्जिंग नहीं हुई है, ये अलग अलग दिख रहा है साइड से। यहाँ से तो मर्ज हो गया था इजीली, अब ये वाला मर्ज करना है हमको। थोड़ा सा ब्लू
अच्छे से देख ले कहीं छूटा ना हो। ये कंप्लीट हो गया है। मैंने नीचे जो है डार्क शेड दिया, ग्रीन दिया है, सॉरी लाइट ग्रीन, और ऊपर ब्लू। मैं कैमरा स्ट्रेट करती हूँ फ्रंट में, मैं आपको फिर दिखाती हूँ। Completed. I don't know if it's visible on camera or not. मैं ग्रुप पे इसका फोटो शेयर करूंगी तो आपको दिखेगा अच्छे से। थैंक यू पूनम जी। और थोड़ा सा कॉर्नर्स में बचा हुआ है, वो मैं बाद में करूंगी। थैंक यू सो मच। आई विल शो यू द तंदूर वर्क ऑल्सो। अब ये जब ड्राई हो जाए तो तब आपको इस पे वॉर्निश करना है ताकि ये प्रोटेक्ट रहे। थैंक यू सो मच कीर्ति जी। हाँ पूनम जी, आपको पूरा वीडियो मिलेगा। मेरे पेज पे जाके आप पूरे वीडियोस देख सकते हैं क्रिएटिव इनोवेशन क्राफ्ट पे। थैंक यू दीपमाला जी। Who wants to add? Diya Chaudhary, come. See, this is Tanjore. And today's session is completed. अब आप लोग जब भी इसको बनाएं तो मेरे साथ प्लीज़ शेयर करें। और कंप्लीट होने के बाद जब ये ड्राई हो जाए इसके कलर, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वॉर्निश ज़रूर दें। आप कोई भी वॉर्निश यूज़ कर सकते हैं, ग्लॉसी चाहे मेट, ना उसे ये कवर रहेगा। और चाहे तो इसको कवर करेंगे अगर आप, तो वो लगे क्योंकि ये ओपन रहेगा तो इसलिए इस पर वॉर्निश होना ज़रूरी है। I will share 1 minute. Actually, I don't remember the number. We'll check from here. Yeah.
जस्ट वेट। मेरे पेज पे जाएंगे तो वहां ऑलरेडी आपको बटन मिलेगा, आप सीधे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर भी मैं शेयर करती हूँ। इस थिंक आई थिंक इट्स नाइन 8333655039 9833655039। ओके, मैं पिन भी कर रही हूँ। यस, और आप मेरे पेज पे जाएंगे तो वहां पे आपको डायरेक्ट बटन मिल जाएगा और नंबर भी मिल जाएगा मेरा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग मी एंड पेशेंसली आप सबने इसको वॉच किया, उसके लिए भी और फीडबैक के लिए प्लीज मुझे आप ये जब भी आप ये लोग बनाएं आपका कंप्लीट हो तो मेरे साथ जरूर से शेयर करें। अभी मेरा पेट क्लास क्ले फ्लावर का स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरे पेज पे आपको पूरा उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। रियलिस्टिक क्ले फ्लावर एंड मैं प्लान भी कर रही हूँ अभी और फ्री वर्कशॉप्स का। थैंक यू दिया जी। सी, दिस इज रियलिस्टिक क्ले फ्लावर, इसका 3 मार्च से मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। सी उसकी डिटेलिंग देखिए, ये बर्ड है, ये एक एक उसका डिटेल आप देखिए, यहाँ पे उसके थॉर्न भी हैं। सी तो मैं उसमें पूरा ये सिखाने वाली हूँ, इवन आपको पॉट भी बताऊंगी और इसको कैसे बंच क्रिएट करना है, बनाना है, लीव्स कैसे बनानी है, इस पर पूरा रहेगा और इसमें क्ले भी इंक्लूड है कि क्ले कैसे बनानी है। पूनम जी किसका मटेरियल? हाँ हाँ आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको वहां पे आंसर दूंगी। ओके, हाँ 3 मार्च से ये क्ले रोज का स्टार्ट हो रहा है मेरा क्लास, उसमें पॉट बनाना भी मैं बताऊंगी, क्ले भी बताऊंगी और फ्लावर मेकिंग भी है और पूरा बंच कैसे बनाना है आपको ये भी है, उसमें ये पूरा इंक्लूड है। आप मुझे व्हाट्सएप करें, जिसको भी जो भी इंटरेस्टेड हो वो मुझसे व्हाट्सएप कर सकता है मुझे। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू टू शोइंग मी सो मच लव ऑन माय पेज एंड वॉचिंग मी फॉर अ वीक पेशेंसली। आई होप आपने भी कुछ इससे लर्न किया हो, आप कुछ सीख पाए हो। अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछिए। और अभी मेरा इसका रोज का क्लास कंप्लीट हुआ है ना, ये स्टॉकिंग के रोज है, विल शो यू स्टॉकिंग रोज, स्टॉकिंग ट्यूलिप का क्लास कंप्लीट हुआ है। सी
और ब्यूटीफुल है तेरे से। स्टॉकिंग क्या है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो व्हाट्सएप कर सकता है मुझे। ओके, मैं इसका फोटो ग्रुप पे शेयर करूंगी और पेज पे भी। इट्स कंप्लीटेड। मैं अभी तंजोर क्लास का भी प्लान कर रही हूँ करने का, और फ्री क्लासेस तो है ही वो भी, और इस तंजोर का भी मैं प्लान कर रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू कीर्ति जी। ये हम मैं इसका भी प्लान कर रही हूँ, तंजोर की क्लासेस का। आपको मेरे पेज पे इसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा जल्दी ही। और अभी मेरा इसका क्लास स्टार्ट होने वाला है 3 मार्च से, और इसका कंप्लीट हो चुका है। तो कोई चाहे तो इसका वीडियो अवेलेबल है, और किसी को लाइव चाहिए तो मैं लाइव भी कर सकती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वीडियो ही देखे, पर अगर आपको वीडियो में इंटरेस्ट है तो आप वो भी देख सकते हैं और लाइव भी। ओके देन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय। आप पेज को फॉलो करते रहिए, आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी वर्कशॉप की, फ्री वर्कशॉप जो होगा। थैंक यू दिया जी। अभी मैं क्ले की और फ्री वर्कशॉप करने वाली हूँ, क्ले बॉटल आर्ट। पूनम वगैरह बाय। मैं ओके बाय डियर। तो आप लोग पेज से अपडेट लेते रहें। अब बाय एंड थैंक यू अगेन। लेट्स, मैं फिनिश करती हूँ अब क्लास को। ओके बाय ऑल ऑफ यू। यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क। अदर ओके ओके देन बाय।